सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेसबुक पेज के बारे में। आपने भाई आप सब लोगों की एक प्रॉब्लम होती है, मुझे कमेंट भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं कि भाई कोई ऐसी वीडियो बताओ, कि कोई ऐसी ट्रिक बताओ जिससे हम अपने फेसबुक पेज का नाम चेंज कर ले। क्योंकि यूट्यूब पर अगर आप सर्च करेंगे कैसे हम अपने फेसबुक पेज का नाम चेंज करें, तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। और उनमें जो प्रोसीजर आपको बताया गया है, वो प्रोसीजर आप बहुत पुराना है, वो वर्क नहीं करता है। क्योंकि फेसबुक की जो है हफ्ता दर हफ्ता जो है अपडेट आती रहती है, और अपडेट के बाद जो है सारी सेटिंग चेंज हो जाती है। तो सेटिंग चेंज होने के बाद फेसबुक पेज का नाम चेंज करने की सेटिंग ही बदल गई है पूरी। तो इस वीडियो में यही बात करेंगे कैसे आपको अपने फेसबुक पेज का नाम चेंज करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले तो भाई आपको अपने ब्राउजर में आना है। जो भी आप ब्राउजर यूज करते हैं, क्रोम करते हैं, मोजिला करते हैं, सफारी करते हैं, जो भी आप ब्राउजर यूज करते हैं आपको उसमें आना है। उसमें आने के बाद देखिए, जैसे मैं क्रोम ब्राउजर यूज करता हूँ, क्रोम में आता हूँ। क्रोम में आने के बाद जो सेम सेटिंग आप फोन पे कर रहे हो, वही सेम सेटिंग आप अपने कंप्यूटर पे लैपटॉप पे कर सकते हो, सेम सेटिंग आपको मिलेगी। तो देखिए, चलो वीडियो शुरू करते हैं भाई। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले तो भाई आपको एक काम करना है, रिक्वेस्ट है आपसे, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो देखिए अब आपको मेन काम क्या करना है, आपको ब्राउजर पर आने के बाद आपको यहाँ पर जो है सर्च करना है फेसबुक लॉगिन। जैसे ही आप फेसबुक लॉगिन सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, और आपको यहाँ पर जो है एक लिंक ओपन होगा। ये देखिए फेसबुक m.facebook.com, ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला। तो आपको इस पर जो है क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको जो है आपकी फेसबुक की एप्लीकेशन में रिडायरेक्ट कर देगा। तो वहां से आप नेम चेंज नहीं पाओगे। तो आपको उसके लिए क्या करना है, देखिए आपको जो ये ब्राउजर में ही ओपन करके रखे, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो है फेसबुक लॉगिन पर थोड़ी देर के लिए टैप करना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पर दूसरे नंबर का जो ऑप्शन मिलता है, ओपन इन न्यू टैब, आपको इस पर चले जाना है। इस पर जाने के बाद यहाँ पर दूसरी टैब ओपन हुई है, तो यहाँ पर ऊपर जो टैब वाला सेक्शन आता है आपको इसमें जाना है। यहाँ पर जो लास्ट वाली टैब है, ये देखिए ये वाली वो टैब है, तो आपको इस पर आ जाना है। जैसे ही आप इस पर आओगे, कुछ ऐसा इंटरफेस आपको यहाँ पर शो होगा, यानी कि फेसबुक का पेज आपका यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा, या प्रोफाइल आपकी लॉगिन हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर आकर यहाँ पर डेस्कटॉप साइट को जो है अनेबल कर देना है ऐसे। तो जैसे ही भाई आप यहाँ पर जो है डेस्कटॉप साइट पर अनेबल करोगे, तो आपकी यहाँ पर डेस्कटॉप साइट अनेबल हो जाएगी, और कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में जो है आपकी प्रोफाइल का आइकन शो होगा, यहाँ पर आप जो है ड्रॉप डाउन एरो मिलता है, तो इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो आपके कितनी प्रोफाइल है और कितने पेज है। यहाँ पर मेरा एक पेज है, एक प्रोफाइल है, तो हमें जो है सेटिंग करनी है भाई पेज की। तो पेज मेरा ऊपर वाला है, ऊपर वाले पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको यहाँ पर शो होगा, देखिए तो यहाँ पर ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा, आपकी प्रोफाइल आ जाएगी, यहाँ पर आपका जो है कवर फोटो आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो इधर जो लेफ्ट साइड में आपका जो सेक्शन आता है ये वाला, ये देखिए आप देख सकते हैं ये वाला, तो इस सेक्शन में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का, ये देखिए ये सेटिंग मिलती है यहाँ पर, ये आप देख सकते हो। तो आपको सेटिंग पर जो है क्लिक कर देना है ऐसे। जैसे ही आप सेटिंग पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यही लेफ्ट साइड में जो है सेक्शन ओपन हो जाएगा पूरी सेटिंग का, फेसबुक का, फेसबुक की पूरी पेज की सेटिंग कर सकते हैं, पूरा पेज सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है, थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। ऐसे आपको जो है यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेना है। जूम करने के बाद आपको ऐसा दिखाई देगा, यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन, एक्सेसिबिलिटी, मीडिया, सब कुछ आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। और यहीं पर आपको एक सेक्शन शो होगा भाई, ये देखिए ऑडियंस एंड विजिबिलिटी। तो आपको इसके जो है अंडर आपको एक सेक्शन मिलेगा, मतलब एक सेटिंग मिलेगी, पेज सेटअप, ये देखिए। तो आपको पेज सेटअप पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पेज सेटअप पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके साइड में दूसरी विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ पर आपको जो है ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आपका यूजर नेम आ जाएगा, मतलब जो आपके फेसबुक पेज का नेम होगा। उसके बाद हमें इसका नेम चेंज करना है। नेम क्या देखिए, एक बार आप देख सकते हैं टैग इट एज मेरे पेज का नेम है, मुझे ये ही चेंज करना है अपने पेज का नाम ही। तो यहाँ पर आपको जो है साइड में ऑप्शन मिलता है, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए यहाँ नेम आ गया टैग इट एज, और यहाँ पर आ गया एक व्यू का ऑप्शन। तो हमें क्या करना है भाई, हमें व्यू पर क्लिक कर देना है नेम चेंज करने के लिए। देखिए जैसे ही मैं व्यू पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जो है कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए मेरा यहाँ पर नाम आ गया, ये देखिए टैग इट एज आ गया, तो इस पर मुझे क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी विंडो यहाँ पर ओपन होगी, ये देखिए यहाँ पर आपका जो है इस तरह से नाम आ जाएगा, ये देखिए आप देख सकते हैं नेम, और यहाँ पर एक बॉक्स ओपन हो गया, ये देखिए इस बॉक्स में जो है आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं। उससे पहले जो है एक जो है इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन फेसबुक यहाँ पर देता है, मतलब नोट आपको यहाँ पर देख लेना है। इफ यू चेंज योर नेम, ये देखिए ऑन फेसबुक यू वोंट बी एबल टू चेंज इट अगेन फॉर 60 डेज, मतलब अगर आज आपने अपने फेसबुक पेज का नाम चेंज कर लिया तो आने वाले 60 दिनों तक आप अपने फेसबुक पेज का नाम चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये उनकी पॉलिसी है। और अगर आज से आपने 10 दिन पहले 20 दिन पहले नाम चेंज किया है तो अब भी आप नहीं कर पाओगे, वो भी आपको 60 दिन के बाद ही कर पाओगे। तो आपको यहाँ पर सोच समझ कर अपना नाम रखना है, जो भी रखना है, क्योंकि दोबारा 60 दिन के बाद आपको मौका मिलेगा चेंज करने का। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको चेंज करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए भाई टैग इट एज ऑफिशियल, ये मैं चेंज करता हूँ। चेंज करने के बाद यहाँ पर एक बटन मिलता है रिव्यू चेंज का, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा रिव्यू चेंज पर। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस सामने आ जाएगा, ओल्ड नेम आ जाएगा, देखिए करंट पेज नेम एंड न्यू पेज नेम, ये देखिए आप देख सकते हैं एक बार, ये देखिए।
तो यहाँ पर चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें अपना पासवर्ड एंटर कर देना है। जैसे ही भाई यहाँ पर हम अपना पासवर्ड एंटर करेंगे, तो पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पर जो है आपका नाम 2 मिनट के बाद भी चेंज हो सकता है, 2 दिन के, 24 घंटे के, जो आपके जो है वो नेट के अकॉर्डिंग होगा, मतलब जो फेसबुक का सर्वर है उसके अकॉर्डिंग वो आपका नेम चेंज करेगा। किसी किसी का 1 मिनट में हो जाता है, किसी का 1 घंटे में, किसी का 24 घंटे में। तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर कर देता हूँ एक बार, उसके बाद दिखाता हूँ मेरा अभी हुआ है कुछ समय के बाद होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर कर दिया, ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलता है ये देखिए भाई रिक्वेस्ट का, रिक्वेस्ट चेंज, मैं यहाँ पर जो है क्लिक कर देता हूँ रिक्वेस्ट चेंज पर, एक बार इसको होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं मेरा नाम यहाँ पर चेंज हुआ है या कुछ टाइम लेगा, एक बार देख लेते हैं। एक बार रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को, तो देखिए भाई अभी तो हुआ नहीं है, ये थोड़े टाइम लेगा, थोड़े टाइम के बाद जो है यहाँ पर मेरा फेसबुक का नाम चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट जो है रेज कर दिया है। तो इस तरह से भाई आप अपनी फेसबुक पेज का नेम चेंज कर सकते हो। और जो है अगर ये सेटिंग आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।